नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। ग्वालियर में बिरयानी खाकर घर लौट रहे युवक को कार सवार 6 बदमाशों ने हथियार के दम पर लूटने का प्रयास किया। युवक ने रुपए नहीं होने की बात कही तो बदमाशों ने उसे पीटा। युवक उनसे बचकर भागा तो उन्होंने उसकी बाइक को जला दिया। युवक का आरोप है कि वह थाने गया लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। ग्वालियर झांसी रोड थाना क्षेत्र के चंद्रबनी नाका स्थित बैजा माता मंदिर के पास रहने वाला 22 वर्षीय प्रदीप कुशवाहा गुरुवार शाम 7 बजे घर से बिरयानी खाने के लिए निकला था। भीड़ होने से वह बिरयानी पैक करवा कर MLB कॉलेज के मैदान पर पहुंचा। यहां बिरयानी खाई और रात करीब 9:45 पर बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में 2 कार में सवार होकर करीब 6 बदमाश आए और उसे रोक लिया। उन्होंने हथियार निकाले और रुपए मांगे। मैंने रुपए नहीं होने का कहा तो मारपीट शुरू कर दी। वह छूटकर भागा तो उन्होंने बाइक में तोड़फोड़ की और आग लगाकर भाग निकले। डर के मारे मैं सीधे घर गया और सुबह कंपू थाने पहुंचा। यहां पुलिस को पूरी कहानी बताई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने थाने से भगा दिया। युवक का कहना है कि उसके पिता चाय बेचने का काम करते हैं, वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में प्यून है। माता पिता ने किस्तों पर बाइक उठा कर दी थी। बदमाशों की गाड़ी का नंबर MP07CH2284 है। मैं घर से निकला बिरयानी खाने के लिए, तो घर वाले क्या खाने नहीं देते, तो इसलिए मैं बाहर निकला अपने फ्रेंड के साथ। तो मैंने बिरयानी वरियानी खा के राउंड लगाया 2-3, तो वहाँ से रिटर्न हुआ मैं घर के लिए 8:30-9 बजे के करीब। तो बाहर देखा मैंने 2-4 लड़के आए थे कार से, स्विफ्ट से, तो उन्होंने मेरे पे हथियार वगैरह लगाया और मेरे से बोल रहे जो भी सामान हो तेरे पे वो सब दे दे नहीं तो हम तेरे को मार डालेंगे। तो मैंने बोला भैया मेरे पास कुछ नहीं है, फ़ोन है बस, जो भी लेना है तो ले लो। उनका इधर उधर ध्यान भटका तो मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भाग निकला।